भाइयों और बहनों, भाइयों और देखिए देखिए स्टार्ट करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाउस प्रॉपर्टी का सम्स। आज हम लोग का हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास है, खुद भी देखोगे, अपने दोस्तों को भी दिखाओगे, सबको दिखाओगे, ठीक है। आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी का सम्स। आज से टैक्स का रिवीजन, टैक्स का भी सिलेबस कंप्लीट है भाई, सबका सिलेबस कंप्लीट है। आप खाली मार रिवीजन पगला कर देंगे, लेकिन ये वीडियो सबके लिए पूरा कोलकाता में जितना स्टूडेंट, सबके लिए। खुद भी देखना, अपने दोस्तों को भी दिखाना, अपने भी देखिए, उनको भी दिखाइए। आ जाओ स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों। तो अभी हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन स्टार्ट किया से, क्योंकि पहला चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाए थे आपको, इसीलिए बहुत दिनों का पढ़ा हुआ। पहला सम्स देखिए मेरे स्क्रीन पर आएगा, आया देखो, चलो रेडी देखिए। पे नंबर का है वो जो टेस्ट लिए थे ना, टेस्ट जो लिए थे वो वाला क्वेश्चन है। एक बार भेज दो ना बाबू, ग्रुप में भी भेज दे राहुल। चलो आप ग्रुप में भी भेज दे रहे ऑनलाइन वालों, और स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा। क्या चाहिए जीवन में, और जो मॉक टेस्ट लिए थे उसका पेपर है, प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट है, प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट वाला है बाबू। आओ पूरा रिवीजन करा देंगे, पूरा ध्यान से देखोगे वीडियो को, शेयर करोगे, लाइक करोगे, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दोगे। जाओ अभी तो क्लास करा रहे, थोड़ी देर बाद आ जाइए। मिला क्या, ले लिए क्वेश्चन, ले लिए ना, देखिए कितने अच्छे बच्चे लोग हैं, अभी तक पेपर संभाल के रखे हैं। आ जाओ मिस्टर, क्या नाम है बोलिए, एक्स, मिस्टर एक्स ओन्स 3 हाउसेस। हट जा रहे, क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। मिस्टर एक्स को 3 हाउस है पटना में, कहाँ पे जी, पटना में है, भोपाल में, ओके। मिस्टर एक्स का 3 घर है भोपाल में, कहाँ पे जी, भोपाल। वो ना आपको डिटेल प्रोवाइड किया, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3। हाउस प्रॉपर्टी में इस टाइप का जो सम्स होता है ना, वो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्या बोली, तो इसमें ना स्टोरी वाला सम्स हो जाता है, क्योंकि आप बच्चे लोग को चार्ट वाला सम्स करने का आदत है। अब ये स्टोरी वाला सम्स है तो बच्चे बोलते हैं ना बाबा, क्या बोलते हैं, ना बाबा। अब आओ हाउस वन के बारे में सुनो, क्या बोला है, हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2020 है ना, देखिए मिला, डेट गलत नहीं होना चाहिए, डेट गलत होने से अनर्थ हो जाएगा। हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2020 है ना जी। अब आइए उसके बाद, उसके देखिए, एंड लेट आउट टू अ टेनेंट एट अ मंथली रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, और टेनेंट को लेट आउट करते हैं 20,000 मंथली रेंट पे। टेनेंट को लेट आउट करते हैं कितना रुपया रेंट पे बाबू, 20,000 पर मंथ पे। ही हैज पेड 22,000 एज अ म्युनिसिपल टैक्स, वो म्युनिसिपल टैक्स के लिए कितना पे किया बाबू, 22,000, और 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू का 10% है, ठीक है। ही हैज ऑल्सो पेड फायर इंश्योरेंस 5,000 रुपये। एक बात बताइए, फायर इंश्योरेंस का कोई ट्रीटमेंट होता है, नहीं, तो क्यों दिया है आपको कंफ्यूज करने के। क्लियर है गाइस, तो हाउस वन पहले तो ये बताए, हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि लेट आउट है, बोलो, लेट आउट है, फाइन। हाउस टू ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड आपको हमने पढ़ाया था कि टैक्स का हाउस प्रॉपर्टी का रूल है, जैसे मेरा एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, तो एवरी फ्लोर या 4 मान लीजिए मेरा रूम है, फ्लैट है, तो एवरी फ्लैट या एवरी फ्लोर जो भी है, दैट इज अ सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। फर्स्ट फ्लोर आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज रेसिडेंस। ग्राउंड फ्लोर को 30,000 करके भाड़ा लगाया, अब फर्स्ट फ्लोर जो कि ग्राउंड फ्लोर के जैसा है, जो कि उसके जैसा है, उसमें वो खुद रहता है, हिज रेसिडेंस, खुद रहते हैं, क्या रहते हैं, खुद, वो उनका धर्मपत्नी और उनका बच्चा। म्युनिसिपल टैक्स 20% पे किया, जो कि 1,20,000 है, हाउस नंबर 3 में आई। द हाउस मतलब हाउस 2 में 1 हाउस है ना, 2 हाउस है, हाउस 2 में 1 हाउस है कि 2 हाउस है, 2 हाउस। हाउस 3 वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2011 राइट, हाँ कि नहीं बोलो, यूज्ड फॉर हिज बिजनेस, हिज बिजनेस, एंड द एनुअल वैल्यू ऑफ दिस हाउस इज 2 लाख, जिसमें वो खर्चा किया 10,000, म्युनिसिपल टैक्स 4,000 रिपेयरिंग के लिए, 10,000 म्युनिसिपल टैक्स और रिपेयरिंग के लिए कितना बाबू, 4,000, कोई दिक्कत है बोलिए,
और सुनो ना, हाउस थ्री वाला जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं वो तो आएगा ही नहीं समझ में। क्यों नहीं आएगा? हमने आपको पढ़ाया था यूज्ड फॉर ओन बिजनेस इज नॉट द पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अपना बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा नहीं। अदर इंफॉर्मेशन में आइए, लोन 60 लाख, कितना लाख, कब लिया था? 1 जून 2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 2। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन कब? 1 जून 2021। ही रिपेड द इंटायर लोन ऑन 31 दिसंबर 2022 और इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12% पर एन। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा समझे गाइस। और प्री पोस्ट वाला ट्रीटमेंट भी आपको सिखा देंगे, रिवीजन हो जाएगा, सिखाया हुआ तो है ये रिवीजन हो जाएगा। और इस तरह के सम्स बहुत बच्चे लोग बार बार मांगते थे, तो चलो आप दिखा देते हैं। चले देखिए, कैसे बनाइएगा देखिए, रेडी आ जाओ, आओ ना, आओ ना, जा बेटा। रेडी आइए, कैमरे में आ रहे देखिए तो। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप पूरा लिखिएगा, ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। आप IFHP मत लिखना, आप पूरा लिखना। सर अगर हम IFHP लिख दिए तो वही किचू हो ना, आस्ते बच्चर आबार हो, आस्ते बच्चर आबार मत समझते हैं, आबार अगला साल परीक्षा दीते हो। चलिए सुनो बाबू, बात मत करो ना प्लीज़, इधर आ जाओ। कितना कॉलम बनाना सिखाए थे बचपन में बताओ? 3 कॉलम बनाना सिखाएंगे। ये ना बार बार डिटेल डिटेल अमाउंट मत लिखना, डिटेल डिटेल अमाउंट वो आज से 10 साल 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब लिखते थे, वो पुराना जमाना का स्टाइल हो गया। आप लोग का जमाना में रुपी रुपी रुपी, क्या बाबू? यस ठीक है सर, अगर डिटेल अमाउंट लिख दो गलत है, गलत तो नहीं आएगा बट अच्छा नहीं लगेगा ना। शादी का कार्ड में लिखा रहता सर सच के आइएगा तो खाना मिलेगा, नहीं फिर भी सर सच के कह जाते अच्छा लगे, क्या लगे बाबू? अच्छा लगे। इधर आओ देखो, साथ साथ उतारो मत, छापो मत, ये छापने वाला पॉलिसी इज़ वेरी बैड। एग्जाम में छापना, अपना भी दूसरे का भी। इधर आओ, हाउस वन से शुरू करिए। हाउस वन क्या है? हाउस वन क्या है? यस, हाउस वन क्या बोलिए? लेट आउट, लेट लेट आउट है, लेकिन उसका कोई डेटा दिया है बोलो? कुछ तो नहीं दिया बाबू, कुछ तो नहीं दिया बाबू, सिर्फ दो चीज़ दिया देखिए, एक तो म्यूनसिपल वैल्यू और एक तो एक्चुअल रेंट। म्यूनसिपल वैल्यू और क्या दिया बाबू? एक्चुअल रेंट। तो देखिए हम लोग का फॉर्मेट तो पता ही है आपको, एक बार फॉर्मेट बोलते हो रही सुनिएगा गाइस। GMV और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वो होता है नोशनल रेंट, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर वो होता है RER। क्या होता है? RER। क्या होता है? RER। और उसके बाद स्टेप 3 में होता है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, स्टेप 4 में होता है 2 और 3 में जो हायर होगा, स्टेप 5 में होता है लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी और आंसर आता है GAV। क्या आता है? GAV, GAV आता है। तो पहला स्टेप हाउस प्रॉपर्टी में GAV आता है, लेट आउट हाउस में GAV से म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है? NAV। NAV में से डिडक्शन माइनस होता है अंडर सेक्शन 24A और B। ए का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV और बी का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर पूरा रटा हुआ है टैक्स, चाप नहीं है बस अरे ना। एग्जाम से पहले जब आपका 13 कितना तारीख को टैक्स का एग्जाम है, 12 तारीख को टैक्स का एग्जाम है, 11 तारीख को 1 बजे लाइव आ जाइएगा। 3 घंटा का क्लास देंगे, 3 से 4 घंटा खाली, जितना फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितना रूल्स है टैक्स में जो आप भूल जाते हो कब कौन सा रूल होगा, सब रूल आपको रिकैप करा देंगे, चाप नहीं है। लेकिन वो चीज़ उसको बेनिफिट होगा जो बच्चा पहले से थोड़ा बहुत जानता है। अगर मान लिया आपको पता ही नहीं तो हम वो रूल समझ भी गए क्या कर लोगे एग्जाम, अब सम्स बनाने आता ही नहीं तो रूल समझ के भी क्या कर लोगे। आइए तो बाबू देखो, तो सुनो ना, इतना जो लंबा चौड़ा ज्ञान दिए सर, इतना तो चार्ट में इंफॉर्मेशन है नहीं,
इन्फॉर्मेशन में एक ही चीज़ है देखिए, तो ऐसा केस में ना ठीक है म्यूनसिपल वैल्यू ही तो दिया हुआ है, तो म्यूनसिपल वैल्यू निकालने से पहले जितना भी चीज़ आता है म्यूनसिपल वैल्यू अफेयर इंफेयर एंड है नहीं है, स्टैंडर्ड एंड है नहीं है, तो म्यूनसिपल वैल्यू लेकिन है सर, म्यूनसिपल वैल्यू भी तो नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं आप, म्यूनसिपल टैक्स है ना जी 22,000, 22,000 इज इक्विवेलेंट टू 10%, 22,000 इज इक्विवेलेंट टू 10%, टोटल वैल्यू कितना होगा, रुको जरा रुको, 22,000 डिवाइडेड बाई 10%, बोलो कितना आएगा, 2,20,000, क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं, तो आर ई आर यही हो गया। सर ये आर ई आर क्यों हो गया बाबा, एक अगर हम स्टेप भी बनाएंगे ना, वो जो स्टेप्स पढ़ा है उससे भी बनाएंगे तो आर ई आर यही आएगा। कैसे सर, कैसे नहीं है, फेयर एंड कितना, ये म्यूनसिपल वैल्यू हो गया, ये म्यूनसिपल वैल्यू हो गया ना, फेयर एंड है नहीं, फेयर एंड है नहीं, स्टैंडर्ड एंड है नहीं, तो कंपेयर किससे करोगे, सिंगल हो आप, क्या हो आप, सिंगल हो आप, डोंट कंपेयर योर सेल्फ, सिंगल हो आप, आर ई आर। उसके बाद स्टेप थ्री करते थे क्या बताइए, एनुअल रेंट, वो दिया हुआ शायद, देखिए एनुअल तो नहीं है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 20,000 पर मंथ, 2,40,000। सर अगर हम पूरा स्टेप फॉलो करके बनाए तो बना सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं हो। अरे भाई कोई दुनिया कोई ताकत मार्क्स नहीं काट सकता, ऑन कैमरा बोल रहे देख लीजिए, क्या आप घबरा कहे जाते हो बाबा, बताइए सीयू छोड़ के सीयू वाला भी मतलब मार्क्स काट देता है, कितना बताइए, कितना क्या, 2,00,000, दोनों में से बड़ा कौन सा बताइए, 2,40,000। तो ये आ गया हम लोग का जी ए वी, दोनों में से क्या ले लिया बताइए, हायर, आपको रिविजन में सुविधा होगा, हायर ऑफ द अबव। सर ये रूल तो आप पढ़ाए नहीं, हम वही चीज़ कर रहे जो पहले करते थे, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, पूरा स्टेप बनाएंगे फालतू का टाइम वेस्ट होगा आपका और एग्जाम में भी टाइम वेस्ट, क्या इन्फॉर्मेशन ही ना है उतना। तो दोनों में से बड़ा कौन सा बताओ, 2,40,000। जी ए वी से क्या माइनस करते हो, म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स कितना दिया हुआ बाबू, 22,000 तो दे दिया ऑलरेडी। अच्छा म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने के लिए दो कंडीशन पढ़ाए थे, देखते याद है कि नहीं, इट मस्ट बी पेड बाय, याद आ रहा, आज से 4 महीने पहले पढ़ाए थे, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने के लिए कितना कंडीशन है, ये पेड होगा तब माइनस करिएगा, और किसके द्वारा पेड होगा, ओनर, बोलो ना, कम ऑन, इट मस्ट बी पेड, पेड बाय ओनर, मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय, हाँ सर, पढ़ाई का स्पिरिट जिंदा रहना चाहिए। तो ये म्यूनसिपल टैक्स पेड भी है और ओनर के द्वारा पेड है। और एक बार, म्यूनसिपल टैक्स इज नॉर्मली कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, बट इफ योर हाउस इज सिचुएटेड इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो किस पे निकालिएगा, नेट, तब किस पे निकालिएगा, नेट, क्लियर है, हाँ कि नहीं, बोली क्या, अमन बहुत दुखी लग रहे हो बाबू, उधर क्या देख, लड़का लगा तरफ देख रहे हो, इधर एन ए बी, इधर देखिए 2,18,000, आज अमन बहुत दुखी लग रहा, 2,18,000, इसमें से क्या होगा बताइए, लेस डिडक्शन, वो बात नहीं, अंडर सेक्शन 24, कैमरा में आ रहा, ए और बी, 30% ऑफ एन ए वी, इसका 30% मारो, 65,000, तार बड़ा है, उलझाया हुआ है ना, सुलझाना होगा, बोलिए ना 30% एन ए वी कितना आएगा जी, कोई बच्चा बोला 65,000, इंटरेस्ट लोन दिया है, नहीं नहीं दिया हुआ है, वो हाउस थ्री का ऐसा है, हाउस टू का है इंटरेस्ट ऑन लोन नीचे वाला, 65,400 कितना आएगा बोलोगे, 1,52,600, ये वाला उतारिए फिर हाउस टू करते हैं इतने नाम से, क्योंकि कैमरा में पूरा आएगा, नहीं तो हम कैमरा सेट कर लें, देखिए उसी के नीचे, आप उसी के नीचे करना, मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए आप उसी के नीचे कंटिन्यू करना, वही हाउस के नीचे फॉर्मेट के नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए,
हाउस वन तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा बताइए? हाउस टू, हाउस टू, बोलिए क्लास हो रहा है, रुको, हाउस टू, नहीं नहीं दूसरा काम से याद में आया, हाउस टू देखिए, अच्छा पर्टिकुलर्स कैमरा चला देखिए तो बाबू, अच्छा अब यहाँ पे हम कर रहे हैं हाउस टू, आपका कंटिन्यू होगा फॉर्मेट, आपका तो पूरा एक पेज ले लोगे आप, ठीक है ना, आपका कंटिन्यू होगा, हम लोग ब्रेक कर दे रहे, तो हाउस टू कैसे करिएगा बताइए, हाउस टू में क्या करने का है देखिए, हाउस टू वाला मेरी कॉन्सेप्ट है बाबा जो है सर, हाउस टू में दो पार्ट है देखिए, हाउस टू में ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है राइट, तो सर हाउस थ्री का कुछ नहीं करना है, काहे बोलिए तो हाउस थ्री तो बिजनेस पर्पस के लिए बाबा, हाउस टू में दो टो फ्लोर है, एक तो ग्राउंड फ्लोर एक तो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर को भाड़ा लगाया है ठीक है, आओ ग्राउंड फ्लोर क्या लगाया है, लेट आउट, ग्राउंड फ्लोर को भाड़ा लगाया है, उसका भाड़ा क्या दिया बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्राउंड फ्लोर लेट आउट 30,000 पर मंथ एंड फर्स्ट फ्लोर इज आइडेंटिकल टू द ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाई हिम फॉर हिज रेसिडेंस, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ग्राउंड फ्लोर का भाड़ा कितना होगा, तो क्वेश्चन में बोला है कि ग्राउंड फ्लोर को हम लोग क्या करते हैं बताइए, तो ग्राउंड फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर लेट आउट 30,000 पर मंथ, बात समझे, फर्स्ट फ्लोर इज आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाई हिम फॉर हिज रेसिडेंस, फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें कोई छाप नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में छाप है, ग्राउंड फ्लोर का भाड़ा है 30,000 पर मंथ, म्यूनसिपल टैक्स 20% अमाउंटेड टू 120,000, म्यूनसिपल टैक्स 20% अमाउंटेड टू 120,000, तो ये बेटा इसका रीजनेबल, इसमें ना देखो इसमें भाड़ा दिया है तो ग्राउंड फ्लोर का रेंट कितना है बताइए, तो म्यूनसिपल वैल्यू दिया है ना, ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू उधर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बोलिए, राइट 120,000 डिवाइडेड बाय 20% 6,00,000 टोटल आया ना, 6,00,000 नहीं 6,00,000 तो पूरा हाउस का म्यूनसिपल टैक्स, लेकिन ये तो एक फ्लोर है ना, दो फ्लोर होने से हाफ कितना होगा बताइए, 3,00,000 समझे कि, फिर से बोले बोलिए फिर से, 120,000 म्यूनसिपल टैक्स पे किया विच इज इक्विवेलेंट टू 20%, तो टोटल को तो हो गए 6,00,000, 6,00,000 पूरा बिल्डिंग का, किसका पूरा, अच्छा अगर तीन फ्लोर होता तो डिवाइडेड बाई 3, चार होता तो डिवाइडेड बाई 4, 5 होता डिवाइडेड बाई 5, 2 है तो डिवाइडेड बाई हाफ, क्या बाबू, क्या बाबू, हाफ, 6,00,000 का हाफ कितना होगा जी, 3,00,000, समझे कि फिर से बोले, समझे कि फिर से बोले, और रेंट कितना पे किया बताइए, रेंट पेड, रेंट पेड 30,000 पर मंथ ना, 3,60,000, रेंट पेड कितना, 3,60,000, तो मेरे हिसाब से बाबा जी ए वी कितना होगा बोलो, हायर ऑफ अब ना, GMV और रेंट पेड जो हुआ, रेंट पेड मतलब क्या, देखो GMV बोलिए चाहे RER बोलिए, बात तो बराबर ही है, क्या है और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो RER और रेंट में दोनों में से बड़ा कौन सा है बताइए, 3,60,000, आप चाहो तो पूरा स्टेप फॉलो करके भी बनाओगे तो भी इतना ही आंसर आएगा, करके देख लेना घर में, लेकिन उतना लंबा क्यों बनाएगा, सम उसको टाइम भी तो लगेगा, बात सही जी, अभी 3,60,000 उसमें से क्या माइनस होगा बोलिए, म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स बाबू कितना बोला है, 50%, अच्छा म्यूनसिपल टैक्स 120,000 दिया ना, वो तो पूरा बिल्डिंग का है ना बाबू, आई तो फ्लोर है, फ्लोर तो म्यूनसिपल टैक्स पूरा 120,000 लोगे ना उसका 50%, सर हमको 50 का मतलब नहीं पता, हाफ बाबा हाफ, तो NAV कितना बोलो, 3,00,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए और बी 30% ऑफ, कैमरा में आ रहा देखिए तो 3,00,000 का 30% 90,000 राइट, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे खेला हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का के लिए आपको अलग से वर्किंग नोट बनाना होगा, इंटरेस्ट ऑन क्या बाबू, लोन, अब इसके लिए हम लोग करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल, कैमरा कर दो नीचे आ जाओ, देखिए वर्किंग नोट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ क्या बाबू, इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलिए ना, इंटरेस्ट, अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाइयों बहनों, प्री कंस्ट्रक्शन मतलब क्या,
घर बनने के पहले, पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने के बाद। तो इंटरे को यहाँ पर क्या बोला है, लोन ऑफ 60 लाख हैज बीन टेकन ऑन 1 जून 2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर 2, पूरा हाउस का है। उसके बाद हाउस कंप्लीट कब हुआ बताइए तो 1 जून 2021। सुनो ना बाबू, इधर बाबू इधर देखो आपका, अच्छा आपका प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए, 22-23 प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, तब ना असेसमेंट ईयर 23-24। अब आप ध्यान दीजिए, पहले प्री कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना होगा बताइए, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा बाबा 2019-20 में लिया था ना, 19-20 जो था ना 19-20 उसमें जून में लिया था, जून में, तो जून से लेके मार्च तक कितना महीना होगा, ठीक से बोलिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सही बोले आप, 9 महीना, 9 महीना सर, 9 महीना कैसे हुआ बाबा, 1 जून से लेके 31 मार्च तक कर लो 9 महीना आएगा, बोलो हाँ कि नहीं। तो मारो 60 लाख का ऊपर 12% 9 होगा कि 10 होगा जी, 10 होगा क्या यार सुभजीत, 10 महीना तो कैसे मारेंगे बताइए, 60 लाख कितना परसेंट, 12% 10/12 कितना महीना होगा बताइए, कितना इंटरेस्ट होगा बोलो, 6 लाख। ये हो गया 19-20 का इंटरेस्ट, राइट। 2021 में क्या रूल है बताइए, घर कब कंप्लीट हुआ बताइए, घर कंप्लीट हुआ आपका 1 जून 2021 को, राइट। तो 1 जून 2021 को घर कंप्लीट हुआ, तो इसमें रूल क्या होता है, जिस दिन में घर कंप्लीट हुआ उससे पिछला 31 मार्च, पिछला 31 मार्च, तो 1 जून 2021 को घर कंप्लीट हुआ उससे पिछला 31 मार्च क्या होगा, 31 मार्च 2021 मतलब पूरा यही बछड़ा पूरा नहीं है, यही बछड़ा पूरा नहीं है, ताहले को तो मंथ्स बोलो 12 मंथ्स, 2021 से पूरा बच्चों नहीं है नहीं, कितना बोलो 60 लाख का 12% बोलो कितना होगा, 7 लाख 20 बोलो ना, 7 लाख 20 तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्री कंस्ट्रक्शन कितना हो गया बाबू, 13 लाख 20 हज़ार हो गया। और आपको याद है प्री कंस्ट्रक्शन में डिडक्शन का रूल क्या है, जितना प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया है उसका 1/5 एवरी ईयर आप माइनस करोगे, 1/5 वन इसका 1/5 कितना बोलो, बोलो बोलो ना बाबू बोलो ना, 2 लाख हाँ ठीक बोल रहे, तो 2 लाख 64 हज़ार कैमरा में आ रहा देखिए, तो 2,64,000। उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी तो निकालना होगा ना, प्री वाला समझे कि नहीं समझे बोलिए, प्री मतलब क्या, जिस दिन घर बना उससे पहले का, उससे पहले 19-20 में 10 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे और 2021 में पूरा साल भर का इंटरेस्ट निकलेगा बस। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन में आइए ना, किसमें आइए, पोस्ट घर बना कब है, 1 जून को, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में क्या बोला देखिए, ही रिपेड द इंटायर लोन ऑन 31 दिसंबर, 31 देखिए, तो इस साल में क्या हुआ बोलिए, तो पोस्ट वाला, पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला में क्या है बोलिए, इस साल में लोन का रिपेमेंट हो गया, इस साल में क्या बोलो ना बाबू सुभजीत बोलो प्लीज, हाँ तो जब जून में, बहुत बढ़िया बात बोले आप, इसका रूल होता है कि जब जिस महीना में कंप्लीट होगा ना, जैसे जून में कंप्लीट हुआ तो उससे पिछला 31 मार्च, पिछला इधर देखिए इधर देखिए, पिछला 31 मार्च। अच्छा पोस्ट कंस्ट्रक्शन लोन तो अभी भी उतना ही है लेकिन घर बन गया है तो उसका कितना परसेंट, 12% और 9 मंथ्स का निकालेंगे, क्यों बोले तो 9 मंथ्स, क्योंकि लोन पूरा पेमेंट हो गया है 31 दिसंबर को, लोन कब पेमेंट हो गया बताइए, 31 दिसंबर, मारिए 60 लाख का 12% 9/12 करो कितना आएगा, 5 लाख 40,000 दोनों जोड़ के, प्री और पोस्ट जोड़ के कितना आ रहा टोटल, 5-7 8 लाख 4 हज़ार, ये पूरा हाउस टू का हो गया, क्लियर है गाइस, प्री पोस्ट दोनों जोड़ के इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 8 लाख 4, लेकिन बट याद है ना आपको बट वाला बात, आई लव यू एज अ फ्रेंड, यहाँ पे भी ये 8 लाख 4 हज़ार पूरा माइनस कर दोगे कि उसका हाफ, हाफ क्यों बोलिए, अरे बाबा एक्टा हाउस है दूटो फ्लोर आ चाहिए, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, तो अले इटा कोतो पार्टी डिवाइड हो जाए दूटो पार्टी, 8 लाख 4 हज़ार इंटू देखो हाफ क्या बाबू इसका, हाफ तो आप जो सम्स में लोगे कितना लोगे, हाफ तो 4 लाख
2000, सो ब्यूटीफुल सम्स, 4 लाख, 2000, बोलो कितना आएगा, 4,90,000, 2000. पहली बार ऐसा हुआ कि लेट आउट हाउस भी माइनस में चला गया, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ. कैसा टाइम? फर्स्ट टाइम इन द लाइफ. क्या है? पुराना पाप का इफेक्ट है. पुराना पाप मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. जोड़ के बोलो 1,90,000. कोई दिक्कत? हाउस वन का कितना आया था फाइनल आंसर? ठीक, उतारो इसको, उतारो. हाउस थ्री में तो कुछ नहीं, उतार लीजिए ना इसको. एबा घर में आके प्री, एबा पोस्ट वाला देखना घर में आके फिर से. अभी बाकी है सम्स बाबू. और देखो हाउस टू ही है ये भी, लेकिन कौन सा बोलिए? सेल्फ. अब बताइए तो अमाउंट कितना है? ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो एनएवी क्या होगा? नील अलेस इंटरेस्ट ऑन लोन. अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, लेकिन देखिए एक इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम कितना आ रहा है? 4,02,000 आ रहा है ना. देखिए इंटरेस्टिंग है, 4,02,000 आ रहा, बट 4,02,000 रुपया आप नहीं ले सकते, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख होता है. कितना लाख? 2 लाख. मसाला देखो, हर लाइन में ट्रिक्स है बाबा. देख के जब आप लोग स्टार्ट किए सम्स तो आपको लगा हलवा सम्स करा रहे आप. 2 लाख, देखिए कितना सारा ट्रिक्स था इसमें. तीनों हाउस कंप्लीट, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, सिर्फ एक ही तो डिडक्शन होगा ना, 24B इंटरेस्ट ऑन लोन. 4,02,000 आ रहा ना इसका भी इंटरेस्ट. ग्राउंड फ्लोर का 4,02,000 आया, तो फर्स्ट फ्लोर का भी 4,02,000 आया, लेकिन आप 4,02,000 नहीं लिए. क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए मैक्सिमम कितना? 2 लाख. बोलो हाँ कि नहीं? पूरा पुराना चीज रिवीजन हो गया. बोलिए हाँ कि नहीं? देखिए पूरा तीनों हाउस करके. सर हाउस थ्री नहीं लिए बिकॉज वो बिजनेस पर्पस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज. बताइए कितना आएगा तीनों करके? तीनों का इम्पैक्ट बताइए. माइनस में कितना आएगा? तो हमको भी पता माइनस में आया कितना. करिए तीनों करके देख लीजिए कितना आ रहा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला करके. ठीक है, चलिए. थैंक यू सो मच ऑनलाइन वालों, शेयर कर दो वीडियो, सबको भेजो, सबको भेजो.